उत्तर प्रदेश मिर्जापुर लालगंज विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत महुलार ग्राम पर कच्छ नव नियुक्त स्थायी गोवंश आश्रय के चरवाहा पिंटू बिंद व सामाकोल हरिलाल बिंद, विनय कुमार बिंद, शिव प्रसाद बिंद, कीर्तन बिंद, बरखंडी बिंद, गौतम बिंद, रामलाल मुसहर, भग्गू मुसहर, सीताराम कोल, इन सभी लोगों से जानकारी प्राप्त हुई कि यह नवनियुक्त गौशाला में हम लोग 4 महीनों से गौवंशों के सेवा में लगे हुए हैं। हम लोगों को ग्राम प्रधान द्वारा सेवा में लगाया गया और बताया गया है कि मनरेगा के तहत आप लोगों को मजदूरी दी जाएगी, लेकिन 4 महीने में हम लोगों को सिर्फ 5,000 रुपये मजदूरी मिली है और आज तक इस गौवंश आश्रय पर अधिकारी कर्मचारी कोई देखरेख नहीं कर रहे हैं। ना इसमें छावनी की व्यवस्था है, ना ही चारा पानी की व्यवस्था है। इस गौशाला में लगभग 400 गौवंश को खुले आसमान में रहने से गौवंश ठंड पड़ने की वजह से 3-4 गौवंश लगभग रोज मर जा रहे हैं। सभी चरवाहा मिलकर गौशाला में गंदगी ना हो इसलिए ट्रैक्टर लगाकर बांध के उत्तर साइड पहाड़ी में गौवंश के लाश को फेंक दिया जाता है। इस बात को लेकर अधिकारी कई बार यहाँ जाँच में आए, लेकिन आज तक कोई व्यवस्था गौवंश को नहीं दी गई और ना ही चरवाहों को मजदूरी देने की व्यवस्था की जाए और सक्षम अधिकारी कर्मचारी इस बात पर ध्यान दे कि जल्द से जल्द गौवंश को छावनी और चारा पानी की व्यवस्था की जाए। साथियों, एक तरफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट गौवंश की पूजा करवा रही है, एक तरफ उन्हें गौवंश आश्रम बनवाकर एवं बंधक बनाकर हत्या करने की साजिश की जा रही है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मिर्जापुर से संतोष कुमार की खास रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम नागेंद्र है। नागेंद्र है, नरेना कला है। तो यहाँ आप कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे दोबारा दवा लेने। तो आपने क्या देखा? हम लोग देखा गाय 2-3 गाय लाद कर ट्रैक्टर पर लेके जा रहे थे। कहाँ से ला रहे थे लाद कर? वो गौशाला से। यही जो गौशाला है यहाँ से ला कर यहाँ, जैसे आप जंगल में देख रहे हैं कि हम आप भी आए हैं यहाँ, तो इस जंगल में मतलब आप भी देखने ही आए थे कि कितने पशु मार्कर यहाँ फेंके गए, मतलब लाकर गौशाला? बहुत से लाए हैं। अच्छा, ये जो हैं दोनों उसी वही लोग लाए हैं? वही लोग। अभी एक वहाँ है। हाँ हाथ हटाइए। हाँ हाँ, यहाँ पे 2 पशु मरे हुए हैं। वहाँ है बता रहे हैं। अभी एक इधर वहाँ है, रुकिए देखिए, एक ठो यहाँ है। मतलब ये ट्रैक्टर से लाकर छोड़ा गया? हाँ, ट्रैक्टर से लाकर छोड़ा गया। हाँ, गौशाला में। और अभी मरे हुए पड़े हैं? 3 महीने पड़े हैं वहाँ पर। 3 अच्छा, पड़े हैं अभी? 3 पड़े हैं और 4-5 फेंका गया है। यानी कहने का मतलब है कि 7-8-10 पशु प्रतिदिन मर रहे हैं। चलिए ठीक है। आप जा रहे थे दवा के लिए, आप देखा तो रुक गए? चलिए ठीक है, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम पिंटू है। पिंटू है, कहाँ के निवासी हैं आप? नया गांव के ग्राम सभा। यहाँ जो गौवंश आश्रम है यहाँ पर आप क्या करते हैं? यहाँ पे हम गैया चराते हैं। कितने दिन से चरा रहे हैं? अरे 4 महीने हो गए। पचवा चालू है। पचवा चालू है। आपको अच्छा। मजदूरी कैसे मिलती है? हमको मजदूरी नरेगा से मिलती है। अभी 4 महीने में मतलब 5,000 रुपया मिला है। 4 महीने में 5,000 रुपया आप लोगों को मजदूरी मिला है? लगभग कितने पशु? अच्छा, 4 महीने आप लगातार गैया चराए हैं? 4 महीने हम लोग लगातार गए चराए हैं। कितने पशु हैं इसमें? कितने? इसमें पशु 350 के करीब लगभग, मान ले 350 है पशु इसमें। तो आप लोग इन्हें चराने ले जाते हैं? हाँ, चराने ले जाते हैं। जंग कहीं भी चारा नहीं है, एकदम सूख गया है चारा। अच्छा, कहीं से गांव-गांव से हम लोग एक टाली पियरा ले आते हैं, उसको खवाते हैं। आपका मतलब है कि शासन प्रशासन से कोई सहयोग नहीं, चारा पानी का नहीं हुआ? हमको सरकार द्वारा कोई यहाँ व्यवस्था नहीं मिला है। अभी न छावनी है, अब न खाने पीने का व्यवस्था है। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अब गैया इसमें से ठंड से कुछ 1-2-3 मर जाती हैं ठंड से। अच्छा, कुछ तो ये समस्या है कि खाए बगैर बिचारी हैं, दूसरी बार ठंडी लग रहा है उससे भी मर जा रही हैं। हाँ, तो जैसे आपके यहाँ डॉक्टर डॉक्टर आते हैं कि देखने कि यहाँ कैसे मर रही क्या है? नहीं, यहाँ डॉक्टर तो नहीं आते हैं, पशु यहाँ गौशाला में। अच्छा, 4 महीने में कितने बार डॉक्टर आए हैं? डॉक्टर तो अभी एक बार आए थे। परसों भी लोग बता रहे कुछ आए थे क्या डॉक्टर लोग? नहीं, हमारे सामने तो नहीं आए थे, पता नहीं। ठीक। हाँ। तो अच्छा, जैसे 2-4 पशु रोज मर जा रहे हैं। हाँ। तो उनको आप लोग कहाँ करते हो? तब तो यहाँ बड़ा गंदगी फैल गया होगा। हम हाँ, तो थोड़ा सा एरिया है जंगल का, उसमें भाई फेंक देते हैं हम। नहीं, यही बांध की उस तरफ गौशाला में कहाँ रखेगा सब
गंधाने लगेगा गौशाला में, गौशाला से थोड़ा बाहर खाली एरिया है उसमें। अच्छा ये बताइए कि उस तरफ में है पहाड़ी, उसी में ना? हाँ हाँ उसी में। तो कैसे ले जाते हैं आप लोगों को, टांग कर ले जाते हैं कि या कोई साधन से ले जाते हैं? साधन से ट्रैक्टर है उसमें से बांध के ले जाते हैं, क्या करें। अच्छा, कितना बात कर लेते हैं, गिरा देते हैं। गिरा देते हैं। तो इस बात को लेकर के जैसे आप लोग किसी अपने जो इसके संचालक होंगे या फिर किसी अधिकारी को, कभी कोई अधिकारी जांच करने आया यहाँ पर? नहीं अधिकारी तो नहीं। जैसे ब्लॉग वीडियो आते हैं कि नहीं आते हैं? पहले आए थे, अब इस समय नहीं आ रहे, देख कर गए, लेकिन कोई व्यवस्था आज तक नहीं की, कुछ व्यवस्था नहीं हुआ। अच्छा चलिए ठीक है। सबसे ज्यादा तो छाया बिगर यहाँ दिक्कत है। अच्छा बताइए भैया, जैसे बता रहे हैं कि गवर्नमेंट से या किसी प्रकार पशुओं के खाने की व्यवस्था नहीं, सभी लोग ये सही कर रहे हैं, आप लोग सहमत हैं? सही है। ये बता रहे हैं कि चार महीने आप लोग पशु चराए हैं, लेकिन ये मनरेगा के तहत 5,000 मिला है मजदूरी, बस इतना सही है? मिला। अच्छा ये बताइए कि अच्छा आप लोग कितने लोग हैं कि जो कि गैया चराते हैं? 10 आदमी है। एक आदमी रात का ड्यूटी है। जैसे आप बता रहे हैं 2-3 पशु अगर रोज मर रहे हैं, 4 पशु मर रहे हैं, कभी ज्यादा भी मर जाते होंगे? ठंडी तेज से है, जब ठंडी बढ़ेगा तो उसमें मरेंगे ही, अभी तो थोड़ा मतलब 3-4 मर जा रहे हैं। मर जा रहे इस प्रकार लगभग काफी 4 महीने में तो बहुत पशु मर गए होंगे। नहीं तो ठंडी से लगाकर इस समय मरे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।